हे दोस्तों, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम बड़ा ही सिंपल है। अभी मैं आपको कुछ फेमस लोगों के फोटोज दिखाऊंगा और आपको अपने दिमाग में ही सोचना है कि वो फोटोज किसके हैं। ठीक है? ये बिल गेट्स, राइट? ये एलन मस्क, ये जेफ बेजोस, ये मार्क क्यूबन, ये ओपरा विनफ्री, ये मार्क जकरबर्ग, राइट? एग्जैक्टली। अब सेकेंड स्टेप गेम का ये है कि अब आप सोचो कि इन सभी लोगों में एक कॉमन चीज क्या है। गो अहेड, सोचो। नाउ इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी, लाइक ये सब बिलियनर्स हैं, अमीर है, सब फेमस है, अमेरिकन है और ऐसे ही कुछ, राइट? बट एक और चीज है जो कॉमन है इन सभी लोगों में, जो मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं, वो ये है कि ये सभी लोग मास्टर है अपनी फील्ड के, सभी लोग चैंपियन है अपने गेम के, राइट? और क्यों है ये सब मास्टर? बिकॉज ये सब पैशनेट लोग हैं, जिनके पास क्लियर गोल्स है, वो सब हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट लोग है। ये सब सही आंसर है, लेकिन अगेन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यूजुअली मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि ये सब लोग ग्रेट लर्नर्स हैं, नॉलेज के भूखे। इन सभी लोगों को सीखना बहुत पसंद है, इसीलिए आप देखोगे ये सब लोग हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं, मेंटर्स की बातें सीखते रहते हैं। और बस यही नहीं, कोई भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आप उठा के देख लो तो आपको पता चलेगा कि वो लोग भी हमेशा हमेशा सीखते रहते हैं, बुक्स की हेल्प से, मेंटर्स की हेल्प से, और आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में। एग्जाम्पल, अभी इलॉन मस्क ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि आई वॉज रेज्ड बाय बुक्स फर्स्ट देन माई पेरेंट्स। मतलब सोचो, बुक्स ने, नॉलेज ने कितना इम्पैक्ट करा उनकी लाइफ में जो उन्होंने ऐसा कहा। ऐसे ही आप देखोगे तो जहां मैक्सिमम लोग बस स्कूल और कॉलेज को ही पढ़ाई समझते हैं, वहीं ये लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बिलीव करते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो चीज ही इन्हें इतना ग्रेट बना देती है। इसीलिए ही इस बुक के ऑथर भी बोलते हैं कि योर लर्निंग एबिलिटी इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल डिफाइन योर फ्यूचर, योर सक्सेस एंड योर इनकम। सो अगर आप आज के टाइम पे एक फास्ट लर्नर बनना सीख लेते हो तो आप आराम से एक नोबडी से दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक बन सकते हो, नो इनकम वाले इंसान से एक ओवरपेड एम्प्लॉय बन सकते हो, नो बिजनेस वाले इंसान से एक बिजनेस टाइकून बन सकते हो। सीखना आपको सच एक बहुत अनफेयर एडवांटेज दे देता है दूसरों के कंपैरिजन में, बिकॉज इससे आप लिटरली दूसरों के एक्सपीरियंसेस, उनके सालों की मिली विजडम का फायदा उठा लेते हो बिना खुद सालों वेस्ट करे, जो अमेजिंग है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम पे आपको यही पूछना चाहिए कि हाउ टू बिकम अ फास्ट लर्नर, हाउ टू लर्न एनीथिंग, फिर चाहे वो बिजनेस की स्किल्स हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई भी चीज। सो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स आज मैं आपको दूंगा एक मेमोरी चैंपियन निशांत सर की बुक और उनकी स्पीच की हेल्प से। निशांत की मेमोरी बचपन में इतनी शार्प नहीं थी, इनफैक्ट अगर आप उनके माँ बाप से पूछो तो आपको पता चलेगा कि कैसे निशांत हमेशा चीजों को भूलते रहते थे, हर छोटी सी छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज को भी भूल जाते थे वो। एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ, जब वो 15 साल के थे तब उनकी मॉम ने उन्हें कुछ खरीद के लेके आने बोला सुपरमार्केट से। तो इस पे निशांत अपनी बाइसिकल ली और सुपरमार्केट चले गए सामान लेने के लिए। उन्होंने वहां सारे सामान खरीदे और फिर वापस अपने घर आ गए। थैंकफुली इस बार उन्होंने सभी सामान तो बराबर लाया था बिना भूले, बट एक दूसरी काफी इंपॉर्टेंट चीज वो लाना भूल गए, जो थी उनकी साइकिल जिससे वो गए थे। और कमाल की बात ये भी नहीं है, कमाल की बात ये है कि ये चीज भी उनको याद आई दूसरे दिन जब उन्हें वापस बाइक का काम लगा। और ऑब्वियसली दूसरे दिन जब वो वहां पहुंचे तो बाइसिकल वहां नहीं थी, उनकी बाइसिकल उनकी वीक मेमोरी की वजह से चोरी हो चुकी थी। नाउ ये एक इंसिडेंट था जो वो कभी नहीं भूले, और ऐसे ही भुलक्कड़ मेमोरी की वजह से ही उन्होंने और उनके माँ बाप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बट निशांत ने फिर कुछ साल बाद एक मेमोरी का रिकॉर्ड तोड़ा, गिनस का रिकॉर्ड तोड़ा, जहां उन्होंने 1944 रैंडम सेट्स ऑफ नंबर्स को याद करा। उन्होंने 2 मिनट के अंदर एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड्स को भी याद करा और वो ग्रैंड मास्टर बने मेमोरी के 2003 में। इवन उन्होंने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया था जहां उन्होंने रैंडम सीक्वेंस ऑफ कलर्स को याद करा था। ना ये सब कमाल की अचीवमेंट थी, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जो बचपन में इतनी खराब मेमोरी रखता था, राइट? मतलब बहुत से लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे, इतनी खराब मेमोरी होने के बाद भी उन्होंने इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया। सो वेल, इन सभी चीजों का क्रेडिट वो देते हैं ये 4-स्टेप फॉर्मूला को, जिसकी हेल्प से ही उन्होंने कई सारी मेमोरी टेक्निक्स को सीखा और मेमोरी चैंपियन भी बने। अब वो मेमोरी टेक्निक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी कई मेमोरी वीडियोस में बना के शेयर करा हूं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। बट आज हम स्पेशली उन सबसे इम्पोर्टेंट 4 स्टेप्स मेथड की बात करेंगे, जिसकी हेल्प से आप कोई भी टेक्निक, कोई भी स्किल सीख सकते हो, बुक्स की मेंटर्स की बात सीख सकते हो, वो भी एकदम फास्ट तरीके से। इवन आप उन बातों को एक्चुअली याद रख पाओगे और रियल में अप्लाई कर पाओगे अपनी लाइफ में। वेल, सिंपली देखे तो साइंस ऑफ एक्सेलरेटेड लर्निंग इस बुक की तरह ही ऑथर निशांत भी बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट आउटपुट, ना कि बस अबाउट इनपुट। देखो, मैक्सिमम लोग जब कुछ सीखने जाते हैं तो बस इनपुट पे ज्यादा फोकस करते हैं और बहुत कम आउटपुट पे। एग्जाम्पल, कॉलेज टाइम पे जब मुझे बीट बॉक्सिंग सीखने का शौक आया था
तो मैं दिन दिन भर बीटबॉक्सिंग के ट्यूटोरियल्स देखता था, अच्छे अच्छे वीडियोस डाउनलोड करता था, उनके फोल्डर्स बनाता था, कलेक्शन बनाता था अच्छा सा। इवन एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल्स मैंने सब डाउनलोड करके सेव कर लिए थे। लेकिन जब बात आउटपुट यानी एक्चुअल प्रैक्टिस की आती थी तो वो मैं बस कुछ मिनट्स करता था, जिसकी वजह से मेरी नॉलेज तो बहुत बढ़ गई बट एक्चुअल में स्किल नहीं बढ़ी, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। नाउ ऐसे ही मेरी तरह सब लोग करते हैं, लोग वीडियोस पे वीडियोस देखते रहते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, इवन कुछ लोग बुक्स भी पढ़ते हैं पूरे जोश के साथ, लेकिन जब बात आउटपुट की आती है तो वो ढीले पड़ जाते हैं। अब देखो, सीखना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट आप दूसरों से फिर भी आगे ही रहोगे अगर आप सीखते रहोगे तो, अगर आप वीडियोस देखते रहोगे, बुक्स पढ़ते रहोगे तो। लेकिन बस इतना काफी नहीं होता, बिकॉज ये जो आप करते हो उसे बोलते हैं शैलो लर्निंग, जो मैंने अगेन डीप लर्निंग इस बुक की समरी में भी आपके साथ शेयर करा था, जो सेम बात ऑथर भी बोलते हैं। देखो, शैलो लर्निंग यूजुअली इतनी इफेक्टिव नहीं होती और बस एंटरटेनमेंट जैसा काम करती है हमारे दिमाग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग जिन्हें मैं पूछता हूँ कि क्या तुमने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है, तो वो प्राउडली बोलते हैं हाँ पढ़ी है, बट फिर इसके बाद अगर मैं पूछता हूँ कि तुमने उस बुक से क्या क्या बातें सीखी है, तो फिर इस पे यूजुअली उनके पास ज्यादा जवाब नहीं होते हैं। और फिर अगर मैं ये पूछ लूँ कि तुम उस बुक की क्या क्या बातें अप्लाई कर रहे हो, तब तो हार्डली कोई कुछ भी बोल पाता है। सो बस ऐसे सीखते रहने का क्या फायदा, जो रियल में आप अप्लाई ही ना कर पाओ, नॉलेज का यूज ही ना कर सको। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इनपुट के बाद फिर आउटपुट पे भी फोकस करो, ताकि आप शैलो नहीं बल्कि डीप लर्निंग कर सको, एक्चुअल में उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। पहला स्टेप ऑब्वियसली होता है स्टेप नंबर 1, डीप लर्निंग। इस पहले स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो इनपुट की क्वालिटी हो वो रियली रियली हाई हो। एग्जाम्पल, कई लोग जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो फिर वो साथ ही साथ कमेंट भी पढ़ने लगते हैं, कई लोग मोबाइल पे फेसबुक चलाने लगते हैं और ऐसे ही एक साथ कई चीजें करने लगते हैं, मतलब मल्टीटास्क करते हैं, जिससे उनकी इनपुट की क्वालिटी खराब होती है, मतलब शैलो लर्निंग होती है, जिससे उस इंसान को लगता है कि वो बात सीख चुका है बट एक्चुअली वो बहुत जल्दी भूल भी जाता है उस बात को और उन्हें कभी अप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए फर्स्ट बात, 100% अटेंशन के साथ चीजें सीखो, जो भी सीखो, और मल्टीटास्किंग को बोलो नो, बिकॉज क्वालिटी ऑफ इनपुट आपको हेल्प करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ रिटेंशन बढ़ाने में, चीजें याद रख के उन्हें अप्लाई करने में। अब देखो, मोर देन 90% लोग यूजुअली बस ये फर्स्ट स्टेप लेते हैं, वो भी अच्छे से नहीं लेते, इसलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि अगर आप इसके बाद आने वाले तीनों स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप पक्का मास्टर बनोगे। स्टेप नंबर 2, रिफ्लेक्ट। बार बार लगातार हजारों चीज देखने से 100 गुना बेटर है आप एक ही चीज देखो, उसे सीखो और उसे रिफ्लेक्ट करो। मतलब आपको सोचना चाहिए कि ओके, ये काफी ग्रेट नॉलेज है जो मैंने अभी सीखी, बट अब इसको कैसे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूं, मैं कहां कहां इस नॉलेज से फायदा उठा सकता हूं, ये सारी चीजें सोचो। फिर चाहे वो आपकी लाइफ की कोई भी जगह हो, आपके काम में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ से रिलेटेड या कहीं भी, सोचो आप कहां कहां और कैसे कैसे उन बातों को अप्लाई कर सकते हो, उनका यूज कर सकते हो। एकदम डीपली अच्छे से टाइम देके इसके बारे में सोचो, बिकॉज इससे ही वो लर्निंग आपके दिमाग में सॉलिड बनेगी, वरना वो बातें बस ठंडी हवा की तरह कुछ सेकंड्स के लिए आपको अच्छा फील कराएगी और चले जाएगी। स्टेप नंबर 3, इंप्लीमेंट। ये वो स्टेप है जहां सारा जादू होता है, ये वो स्टेप है जो बस 1% लोग करते हैं, जबकि 99% लोग ये कभी नहीं करते। तो 99% लोग एक चीज सीखते हैं, उन्हें मजा आती है, अच्छा लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है, जिसके बाद फिर वो दूसरा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हाँ उन्होंने इससे भी कुछ अच्छा सीखा है, जो उन्हें ग्रेट फील कराता है, स्मार्ट फील कराता है, और ऐसे ही उनका साइकिल चलता रहता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो फंस जाते हैं बस वीडियोस देखते रहने में, बजाय उनमें से कोई एक भी वीडियो की बात को इम्प्लीमेंट करने के। देखो, ऐसा करना अच्छा नहीं होता, बिकॉज ये लोगों को एक इल्यूजन में बांध देता है, जिसे बोलते हैं द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, जहां लोगों को बस लगता है कि वो इम्प्रूव हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट ऐसा सिर्फ उनके दिमाग में हो रहा होता है। सो अब व्हाट शुड यू डू, आप सीखो, सीखना गलत नहीं है, बट जो भी सीखो फिर उसे एटलीस्ट पहले लिख लो बुक में, या कहीं भी स्केड्यूल बनाओ, प्लान बनाओ, और मेक श्योर करो कि आप उन बातों को फिर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करो। एक टाइम सोच लो, एक डेट डिसाइड कर लो कि मैं इस टाइम पे इस चीज को अप्लाई करूंगा पक्का। ये बात को याद रखते हुए दैट एक हल्का एक्शन, भले ही वो कितना भी आलस से भरा हो, बेटर होता है नो एक्शन से। स्टेप नंबर 4, शेयर। ये चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो हम कॉलेज डेज में करा करते थे एग्जाम के टाइम्स पे, जिसे फेम एंड टेक्निक भी बोलते हैं, जो इन नटशेल यही सिखाती है कि जब भी आप कोई चीज सीखो तो उसे दूसरों को भी सिखाओ, बिकॉज इससे आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा बैठेगी, लोग अगर क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप फिर ज्यादा इंक्लाइंड भी हो जाओगे उन बातों को खुद अप्लाई करने के लिए। इसलिए ये भी पावरफुल स्टेप आप कभी मत भूलना, जो भी सीखो इफ पॉसिबल उसे दूसरों को भी सिखाओ, या वो ना हो सके तो एटलीस्ट डिस्कस करो उनके बारे में किसी और के साथ। ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक फास्ट लर्नर बनने में।
सो कंक्लूजन के लिए एक पॉइंट हमेशा याद रखो, जो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप समझो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम इनपुट को दे रहे हो तो एटलीस्ट 2x टाइम मतलब डबल टाइम आपको आउटपुट पे देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप हाफ एन आवर बुक पढ़ने में निकालते हो तो एटलीस्ट एक घंटा उन बुक की सीखी हुई बातों को अप्लाई करने में लगाओ, ऊपर बताए 4 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स का यूज करके। अब बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है बिकॉज बहुत सी बुक्स इंग्लिश में होती है और लाइफ में कई जगह इंग्लिश बोलने की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। सो वेल, ऐसे लोगों के लिए एक ऐप है कैम्बली नाम का, जो इंग्लिश सीखने के लिए इनपुट से ज्यादा आउटपुट पे फोकस करता है, जिससे आप फॉरेनर से बात करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ ऐसे। Hello, hi, my name's Lynette. My name is Ishan. Geographically to Turkey and Greece. My name is Jackie. Nice to meet you. Nice to meet you too. From India. Okay, that's cool. Yeah, you look... I really liked the classic book, Jane Eyre. I don't know if you have heard of this. It's from Russia, from India, from Saudi, from Turkey, and then America and Brazil. This Native American medicine man and so देखा, ऐसे ही आप एक्टिव तरीके से फॉरेनर से बात करके इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आपको 25% ऑफ भी मिलेगा अगर आप SEEKN25 ये कोड यूज करोगे तो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जहां से जाके आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो, सीख सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। शेयर करें इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं ऐसी ही बुक की समरीज हर संडे डालता रहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।